मेट्स को मेकअप करना सिखाती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? कमल। कमल, आपका अपना भी सैलून है? जी बिल्कुल। और आपका अपना सैलून कहाँ पर है? मेरा पीआईबी में ही सैलून है। अच्छा, पीआईबी में आपका सैलून है, सैलून भी आप रन करती हैं और फिर आप यहाँ पे भी आके क्लासेस देने आती हूँ। और आपकी ये रोज की आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा है? जी, मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे आपकी यहाँ पे क्लासेस होती हैं। अच्छा, तो मुझे बताएं अब तक कितनी लड़कियों को यहाँ आप ट्रेन कर चुकी हैं? मैं तकरीबन 12 बैचेस मेरे कंप्लीट हो चुके हैं और मेरे हर बैच में 12 स्टूडेंट्स होते हैं। अच्छा जी, मेरे तकरीबन 12 बैच हो चुके हैं और बेसिक कोर्स करवाती हूँ जिसके अंदर फेशियल, वैक्सिंग, थ्रेडिंग, कलर डाई की क्लास होती है और हेयर के हवाले से होते हैं, मेकअप्स वगैरह होते हैं लास्ट में। फिर ये खुद ही एक दूसरे पे प्रैक्टिस करके पिक्चर्स जो लगी हुई आपस में ही, मॉडल्स भी यही होती हैं और जो सीख रही होती हैं वो भी आपस में। बिल्कुल, इनका टेस्ट होता है तो जो जो अच्छा रिजल्ट आता है तो फिर इसको हम लोग शूट करके लगवाते हैं। यानी कि जो इनकी सारी मॉडल्स होती होंगी वो भी जेल से? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपस में ही एक दूसरे पे ही मॉडल्स जेल की होती है, अप्लाई भी उन्हीं पर किया जाता है और जो ट्रेनिंग ले रही होती है वो भी एक ही होती है। 12 लड़कियों में ही आपस में ही एक दूसरे में ही सब मॉडल्स भी बना रहे होते हैं और स्टूडेंट भी वही होते हैं। ठीक है, तो बेस्ट आपका स्टूडेंट जिनको हो के आपके कि ये हमारी बेस्ट हैं जी मेकअप आर्टिस्ट? मेरी एक दो तो बहुत अच्छी स्टूडेंट्स जो जा चुकी हैं और बाहर भी जाके यही काम कर रही है माशाल्लाह, उनको अच्छी जॉब मिल गई है। और अभी भी मेरी जो स्टूडेंट है ये मौजूद है, ये मेरी पिछले बैच में भी थी और अभी भी मेरे साथ मेरी हेल्प करवाती है। अच्छा, आपकी हेल्प मैं चाहूंगी, जरा आप भी जरा आगे आ जाइए। हाँ जी, आज आ जाए। क्या नाम है आपका? नौरीन नवाज। अच्छा नौरीन, मुझे बताएं आप यहाँ कब से हैं? मुझे 2 साल हो गए। अच्छा, 2 साल हो गए आपको यहाँ पर। आप यहाँ पर किस जुर्म केस में हैं? मर्डर के केस में। मर्डर के केस? किसका मर्डर था केस? हस्बैंड का। हस्बैंड का, क्या हुआ था? मार्केट में उसको किसी ने गोली लगाई थी। मार्केट में किसी ने गोली लगाई थी और वो फिर मेरे ऊपर ब्लेम। अच्छा, आप जी मुझे बताएं आपके घर में से कोई आपसे मिलने आता है? जी हाँ। कौन आता है आपसे मिलने? मेरी अम्मी आती है, भाई वाले आते हैं। अम्मी भाई आपके आते हैं जी। बच्चे हैं आपके? जी। बच्चे मिलने आते हैं आपसे? नहीं। बच्चे मिलने आपको नहीं आते? नहीं। तो क्या इजाज़त नहीं है ससुराल वालों के पास है? क्या है? ससुराल वालों के पास है। ससुराल वालों के पास है तो आपने कोई, कितने बड़े बच्चे हैं आपके? 1 8 साल की है और 6 साल 4 साल। क्या अपने बच्चों से ज़रूर मिले? और बच्चे छोटे छोटे हैं तो अब जैसे मैंने बोला कि अपील डाली हुई है, कोशिश की हुई है, तो वो नहीं घर वन के नहीं मानते बिल्कुल मिलवाना? अभी ये भेजी हुई है एप्लीकेशन थ्रू कोर्ट के, इंशाल्लाह फॉर द बेस्ट ही है कि बच्चे को। जी हाँ, कोर्ट ऑर्डर्स के थ्रू उनकी मुलाकात वो करवाई जाए। अच्छा, यहाँ पर और भी जो है ज़रा मैं आप उनकी ज़रा उनसे ज़रा आपकी बात कराती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप कब से जेल में? मुझे 14 महीने हो गए। अच्छा, आपको 14 महीने हो गए और आप किस जुर्म में आई? मैं लड़ाई के केस में आई थी तो चोरी का केस डाल दिया था मैंने। अच्छा, लड़ाई के केस में आई थी और चोरी का केस? अपनों में हुआ था, गैरों में हुआ था? नहीं, गैरों में। गैरों में क्या हुआ था? बस मतलब पड़ोस थे, उन्होंने मतलब किया तो पता नहीं किसने था लेकिन हमारे फैमिली पर इल्ज़ाम लगा दिया। अच्छा, तो आपका अभी ट्रायल चल रहा है? जी। अच्छा ठीक है, घर वाले आते मिलने? जी। आपसे शादी हुई है? जी। बच्चे हैं आपके? नहीं, मेरे बच्चे नहीं हैं। अच्छा, आपके बच्चे नहीं हैं जी। चलो ठीक है जी। तो ये आपने देखा कि जेल में यहाँ पर जितने भी इनमेट्स हैं इन्होंने अपनी एक छोटी सी दुनिया बसाई ली है इनकी फलाह बहबूद के लिए, कि इनको ये ना लगे कि हम जेल में हैं तो एक उनको ऐसी कोई जिंदान में या तारी जगह पर डाल दिया जाए कि और कि जिस जुर्म में आए थे तो उसके बाद और कोई खौफनाक सी शख्सियत बाहर निकले, बल्कि इनकी बेहतरी के लिए इनको इतनी ट्रेनिंग दी जाती है। सिलाई कढ़ाई ये औरतें करती हैं, मेकअप ये ख़वातीन करती हैं, ये सीखती हैं कि जब यहाँ से रिहा होकर जाएंगी तो इस काबिल ज़रूर हो जाएं कि ये अपना सैलून जो है ये ज़रूर खोल सकें। और सबसे अच्छी बात यह कि जो इनको सर्टिफिकेट्स वगैरह मिलते हैं उसमें ये नहीं लिखा हुआ कि जेल से इनको सर्टिफिकेट मिला है, ये कहीं भी जाके वो सर्टिफिकेट दिखा सकती हैं और एक जब यहाँ से रिहा होके अपनी सज़ा पूरी करके जाएंगी तो बाइज़त शहरी के तौर पर ये अपनी ज़िंदगी जो है ये गुजार सकती हैं। तो एक अच्छी चीज़ है कि मुसलसल इनकी फलाह के लिए काम हो रहा है कि बजाय कि अब जहाँ से बाहर निकलें तो एक वही शायद और नेगेटिव हो जाएं, एक अच्छी पॉजिटिव एक वो शख्स जिसने कुछ सीखा हो ज़िंदगी से वो। अब ज़रा बाहर आ जाएं क्योंकि मेरा जेल का जो टूर है जनाब अभी बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, कहीं मजा आइएगा। पर जेल में इस बात का भी ख्याल रखा गया है कि
कि जो यहाँ पे इनमेट्स, यहाँ पे कैदी ख्वातीन मौजूद हैं, वो चलें बाहर की दुनिया से दूर तो हैं लेकिन दीन से दूर ना रहें। ये अलम जनाब अब्बास आप यहाँ पर देख रहे हैं, और पीछे मेरे यहाँ पर एक छोटे से एक रूम है जो कि प्रेयर्स रूम है। यहाँ पर मिलाद भी होता है, यहाँ पर दर्स भी होता है, यहाँ पर ख्वातीन जो हैं वो नमाज भी अदा करती हैं, यहाँ पर मजालिस का भी एहतमाम किया जाता है। और साथ में सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ एक पर्टिकुलर रिलीजन को, यानी कि सिर्फ उनका ख्याल रखा जाता है जो कि मुसलमान हैं, बल्कि जो यहाँ पर अखिलती बिरादरी मौजूद हैं उनके भी जो त्यौहार आते हैं उनको भी सेलिब्रेट किया जाता है। जो यहाँ पर हमारी मसीही बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाली जो ख़वातीन हैं उनके लिए भी ख्याल रखा जाता है कि वो भी संडे को अपनी प्रेयर्स जो हैं वो सर अंजाम दे सकें। अच्छा, अब ये जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, शिबा जी यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है, वो बताएंगी कि ये क्या जगह है। शिबा जी, काफ़ी यहाँ पर मैं मसैरियाँ भी देख रही हूँ, तो ये बैरक है? जी हाँ, ये बैरक है जहाँ पर ये ख़वातीन रहती हैं। अब ये कि सबके सब जो है ना अपने डिफरेंट स्किल बेसिस क्लासेस में, इस वजह से ये बैरक आपको खाली रहता है। वैसे टाइमिंग्स क्या होती हैं, ये अपनी बैरक से कब निकलती हैं और उसके बाद कब बैरक में वापस आ जाती हैं और कब फिर बैरक को ताला लगा दिया जाता है? सुबह 7 बजे ये कि इनका जेल अनलॉक होता है, फिर जो है शाम के 6:30 से 7 बजे तक ये अपने बैरक्स में आती हैं। अच्छा, यानी कि जब खाना खा लेती हैं तो उसके बाद फिर ये बैरिक्स में बैरिक्स में आ जाए, फिर ये इनकी बैरिक्स जो हैं वो क्लोज हो जाती हैं। फिर ये जिस तरह अभी क्लासेस ऑफ होंगी फिर अपने बैरिक्स में आएंगी, खाना खा कर नमाज का सेशन करके फिर अपने ये के डिफरेंट स्किल्स बेसिस पर हो जाती है। अच्छा, मुझे एक बात आप ये बताएं, मैं देख रही हूँ कि डीप फ्रीजर यहाँ पर मौजूद है, तो वो मतलब बैरिक में, मैंने बंदों की बैरिक में तो नहीं ऐसा डीप फ्रीजर देखा था? देखिए, मेल में मैंने आपको कहा कि ओवर पॉपुलेटेड प्रिजन है, तो वहाँ पर ये कि किचन में डेफिनेटली ये कि डीप फ्रीजर, तो किचन बहुत बड़ा था क्योंकि ये ख्वातीन है, इनके साथ ये कि एक सॉफ्ट कॉर्नर थे उसका, जिनके साथ बच्चे भी हैं। हाँ, और इनके साथ बच्चे भी हैं, तो हर बैरिक के साथ हम लोगों ने इनको डीप फ्रीजर प्रोवाइड किया कि अपने ये कि खाने बच्चों के लिए कुछ एक है और पानी, हर किसी का अपना बैरक। गर्मी है, ठंडा पानी देने को, बच्चे हैं, बिल्कुल बच्चों को पानी देना है, बच्चों को दूध देना है, कुछ भी करना है, तो इसके लिए जो भी चीज़ें होती हैं वो अपने अपने बैरक के लिहाज से। यहाँ पे टीवी टीवी भी है जी यहाँ पर? जी हाँ। तो वो टीवी देखने की टाइमिंग्स कोई एक है इनकी या फिर जब के देख सकती हैं? सिर्फ नमाज के टाइमिंग्स में ये के ऑफ किया जाता है, और मॉर्निंग आवर्स में जिस तरह ये के बंद है क्योंकि अभी सब लेडीज ये क्लासेस में जा रही हैं, तो टीवी ऑफ होता है। अच्छा, अब मुझे बताएं कि एक बैरक में कितने यहाँ पे मसैरियाँ होती हैं, कितनी यहाँ पे इनमेट्स होती हैं? देखिए, हमारा जो है ना अंडर पॉपुलेटेड प्रिजन है, एक बैरक की जो गुंजाइश है, ये तो खैर छोटी बैरक है, जो दूसरी बैरक है उसमें 30 to 35 ये के इनमेट्स रह सकते हैं। सही, और एक बैरक में कितने बाथरूम होते हैं? फोर वॉशरूम्स ये के हैं, ताकि फोर वॉशरूम्स, दो ये है कि उनके लिए अलग सेपरेट फॉर द बाथ पर्पस के लिए। सही, और उसकी सफाई का भी ये खुद ख्याल रखती हैं? ये खुद भी करती हैं, हमारे पास फीमेल स्वीपर्स भी हैं जो आके तमाम तरीके की चीज़ें जो हैं वो सही हैं या नहीं है, सफाई का यानी कि बिल्कुल ख्याल रखा जाता है। तो चले जी, मैंने आपको बैरक की क्लू तो दे दी कि बैरक कैसी है यहाँ पर, आपने देख भी लिया कि यहाँ पर छोटा जो एक प्रेयर रूम है वो भी मौजूद है। अच्छा, मुझे बताएं स्पेसिफिकली, अभी जैसे हमने देखा कि हमारी जो हिंदू बिरादरी है उनके जो त्यौहार आए थे, अभी ये होली हुई थी? जी जी, होली हुई थी। जी बिल्कुल, और अभी दिवाली भी हो रही थी। स्पेशल होली, दिवाली, स्पेशल फूड उनको ये के दिया जाता है स्पेशल डेज में, और वेजिटेबल्स हुए जो इनको ये के एक स्वीट्स पसंद होती है, तो वो भी ये के सर्व की, वो फिर उनको सर्व की जाती है।